आप यहां से पंजाब तक किसी भी सरदार को भीख मांगता हुआ दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। पेपरा लतीफ से लेकर के पंजाब तक कोई सरदार आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आया। दूसरी खूबी, यहां से लेकर के पंजाब तक किसी भी सरदार को बगैर दाढ़ी के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। बगैर पगड़ी के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। सरदार ने दाढ़ी नहीं छोड़ी, सरदार ने पगड़ी नहीं छोड़ी, दीन धर्म को पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक बात याद रखिए, मूसा अलैहि सलाम से मुकाबले के लिए जो जादूगर आए थे उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख लोग मुकाबला करने के लिए किससे आए थे? अकेले मूसा अलैहि सलाम से। जैसे अभी फलस्तीन से मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया आ गई है, लेकिन 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की, फलस्तीन भारी पड़ी। अब 3 लाख जादूगर मूसा अलैहि सलाम से मुकाबला करने के लिए आए, और मुकाबला करने के लिए किससे आए थे? रस्सी लेकर के आए। उस रस्सी को कितने ऊंट पर लाया गया था? 3000 ऊंट पर लाया गया। अल्लाह, जिस रस्सी को सांप बनाने के लिए 3 लाख लोग मूसा अलैहि सलाम के मुकाबले में आए थे, वो ऊंट कितने थे? 3000। उनकी तादाद कितनी थी? 3 लाख। लेकिन जादूगर मुसलमान हो गए। जो मूसा को शिकस्त देने के लिए आए थे वही शिकस्त खा गए। जानते हैं ये राज क्या है? मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से पूछा, मेरे परवरदिगार, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, ये जादूगर जो हमसे मुकाबला करने के लिए आए थे ये कैसे मुसलमान हो गए? कहे मूसा, वो तुम्हारी दाढ़ी लेकर के आए थे, वो तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, तुम्हारी नकल उतार रहे थे, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया, जो मेरे महबूब की नकल उतारे उसको जहन्नम में डाले, इसलिए हमने उसको सजदे में गिरा दिया, कलमा पढ़कर वो मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात याद रखिए, सारी दुनिया को मालूम है अल्लाह के रसूल के चचा मुसलमान नहीं हुए। कौन? अबू तालिब। आपको हैरत होगी, अल्लाह के रसूल के चचा हैं, इस्लाम का साथ दिया, मुसलमान का साथ दिया, मुसलमान नहीं हुए। रास बता रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दाढ़ी कटाते हैं इसको गुनाह मानिए कि हमसे गुनाह हो रहा है, ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ कि खुजली होती है, बैगन खाया हुआ लगता हूँ, ये दाढ़ी की तौहीन है। दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूँ कि बूढ़ा मालूम होता हूँ, दाढ़ी की तौहीन है। हाथ जोड़ करके आपसे, दाढ़ी नहीं रखना है मत रखिए, तौबा करते रहिए, ईमान सलामत रहेगा। दाढ़ी की तौहीन मत कीजिएगा, दाढ़ी नबी की पसंद है, तौहीन करेंगे ईमान चला जाएगा। अबू तालिब से हाथ जोड़ करके आपके अल्लाह के रसूल ने कहा, चचा जान सजदा कीजिए, मैं मेराज से अल्लाह के यहाँ ये तोहफा लेकर गया, आप इस सजदा को कबूल कर लीजिए। मैं मेराज में गया था, अर्श से सजदा लेकर के आया हूं जमीन पर, आप इस सजदा को कबूल कर लीजिए। अबू तालिब ने क्या कहा, सजदा कैसे करते? तो कहा, अल्लाह के रसूल ने आप घुटने को जमीन से सटाइए, सजदे को सजदे में जाइए, पेशानी को जमीन से टेक दीजिए। तो अबू तालिब ने कहा, यह मुझको कबूल नहीं, सजदा करने में सर नीचे चला जाता है, सुरीन ऊपर आ जाती है, मुझको ये तरीका पसंद नहीं। अल्लाह के रसूल के तोहफे का इनकार किया, मजाक उड़ाया, अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से महरूम कर दिया। अल्लाह के रसूल गुजर रहे थे, दरख्त लंबा था, अल्लाह के रसूल भी लंबे, झुक गए, पीछे से हजरत अली आ रहे, वो भी झुक गए। तो लोगों ने कहा कि अली, तुम तो पस्ता कद हो, तुम ऊंचे तो हो नहीं, तुम क्यों झुक गए? दरख्त लंबा था, अल्लाह के रसूल लंबे थे, इसलिए झुक गए कि ठोकर ना लगे। तुम तो उतने लंबे थे नहीं, तुम्हें झुकने की जरूरत तो नहीं थी, क्यों झुक गए? तब मैं दरख्त को नहीं देख रहा था, मैं नबी के सर को देख रहा था, नबी का सर झुका, मैंने भी झुका दिया, नबी की अदा के पीछे हमारी कामयाबी है, मैं अपनी कामयाबी को ढूंढ रहा था, दरख्त को नहीं देख रहा था।